G20 शिखर सम्मेलन के दौरान लुटियंस दिल्ली में 3 दिनों के लिए आम ट्रैफिक पर पाबंदी रहेगी। नई दिल्ली जिले में राजघाट के आसपास के इलाकों और रिंग रोड पर वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। प्रतिबंध 8 सितंबर की रात 12 बजे से 10 सितंबर की रात 11:59 के बीच लागू रहेंगे। हालांकि एम्बुलेंस की आवाजाही की अनुमति होगी और इलाके के निवासियों और वहां ठहराए गए पर्यटकों को पहचान पत्र दिखाने के बाद आने जाने दिया जाएगा। रिस्ट्रिक्शंस लागू रहेंगी, हैवी गुड्स वगैरह जो है नई दिल्ली के क्षेत्र में नहीं आएंगे। एसेंशियल सर्विसेज पूरी तरह चलते रहेंगे। एयर मेट्रो सर्विसेज सारी चलेंगी। रिंग रोड के बियॉन्ड सिटी बस सर्विसेज भी चलेंगी। और जो ट्रैफिक एडवाइजरी अभी जारी की है, निर्देशिका काफी विस्तार से है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी में मालवाहक वाहनों, बसों, ऑटो रिक्शा और टैक्सियों की आवाजाही पर प्रतिबंधों की लिस्ट तैयार की है। लोगों को मेट्रो सेवा का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन को छोड़कर सभी स्टेशनों पर मेट्रो रेल सेवा मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पर 9 सितंबर को सुबह 5 बजे से 10 सितंबर को रात 11 बजे तक बोर्डिंग या डी बोर्डिंग की अनुमति नहीं होगी। 3 प्रमुख जोन बनाए गए हैं। एक है कंट्रोल जोन 1, एक है कंट्रोल जोन 2 और एक है रेगुलेटेड जोन। कंट्रोल जोन 1 ये लागू हो जाएगा 7 और 8 के बीच की मध्यरात्रि से, ये रहेगा 10 और 11 की मध्यरात्रि तक। रेगुलेटेड जोन भी सेम टाइम स्लॉट में इम्प्लीमेंट रहेगा। कंट्रोल जोन 2 जो है ये 9 और 10 की मध्यरात्रि से चालू होकर 10 तारीख के दोपहर के 2 बजे तक लागू रहेगा। नई दिल्ली जिले के पूरे इलाके को 8 सितंबर को सुबह 5 बजे से 10 सितंबर को रात 11:59 तक नियंत्रित क्षेत्र 1 माना जाएगा। ट्रैफिक पुलिस ने 8 सितंबर को सुबह 5 बजे से 10 सितंबर को 11:59 तक रिंग रोड यानी महात्मा गांधी मार्ग के अंदर के पूरे इलाके को विनियमित क्षेत्र बनाया गया है। 10 सितंबर को दोपहर 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक लगभग 16 सड़कों और जंक्शनों को नियंत्रित क्षेत्र 2 माना जाएगा। NDMC के सभी बाजार 8 सितंबर से 10 सितंबर तक बंद रहेंगे। 9 और 10 सितंबर को होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के मुख्य कार्यक्रम में 29 देशों के प्रमुखों के साथ साथ यूरोपीय संघ के आला अधिकारियों और अतिथि देशों और 14 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों के शामिल होने की संभावना है। प्रगति मैदान के अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में 9 और 10 सितंबर को होने वाले शिखर सम्मेलन के दौरान शहर में ट्रैफिक बंदोबस्त के लिए 10,000 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे।